हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे इस प्लांट की केयर के बारे में बात करूंगा और इसका जो नाम है वो है कैलेनको लेसिनिएट। और ये एक हम लोग को जो देसी हम लोग कलंचू लगाते हैं उसकी एक वैरायटी है और इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं और एकदम कलंचू की तरह ही, जैसे हम लोग के नॉर्मल कलंचू में फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए, मेरे प्लांट में बहुत सारी इस टाइम कलियाँ आई हुई हैं और ये देखिए दूसरी तरफ भी। तो इस तरीके से इसमें भी देखिए गुच्छे में कलियाँ आती हैं और इसमें ब्राइट येलो कलर के फ्लावर्स खिलते हैं और जो हम लोग के देसी वाले कलंचू होते हैं उसमें ब्राइट रेड कलर के फ्लावर्स खिलते हैं। तो आज मैं आपसे इस प्लांट की केयर के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले अगर मैं आपको अगर इसके मिट्टी के बारे में बताऊँ तो आप ये किसी भी तरह की फ्रेंड्स मिट्टी में बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, बट जो कि हम लोग अपने प्लांट से बेस्ट रिजल्ट चाहिए होता है तो इसलिए हम लोग उसको बेस्ट मिट्टी प्रोवाइड करानी चाहिए। तो जिस मिट्टी मैंने इसको लगा रखा है, इसमें मैंने एक हिस्सा क्या कहते हैं मिट्टी ली है और एक हिस्सा मैंने गोबर की खाद ली है। या आप देखिए मिट्टी देख सकते हैं, तो उस तरीके से मैंने एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा गोबर की खाद इसमें डाली है और उसमें ही मैंने फिर क्या कहते हैं, आप पास अगर गोबर की खाद ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, तो फिर आपका एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट हो जाएगी। तो इसलिए इससे क्या होता है कि मिट्टी जो है वो काफ़ी अच्छी बनती है और जो इसका मिट्टी का ड्रेनेज रहता है वो भी अच्छा रहता है, मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी रुकता नहीं है। तो ये इसकी मिट्टी के बारे में बात हो गई। फिर पानी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी मिट्टी में बहुत हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रहे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना हो, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो ये प्लांट है, इसका जो इसकी जो स्टेम मतलब प्लांट की, वो देखिए कितनी क्या कहते हैं ग्रीन और एकदम वो वाली से हम लोग के सकुलेंट्स की होती है और इस तरीके से इसकी पत्तियाँ भी देखिए मोटी मोटी हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर काफ़ी पानी स्टोर रहता है। तो अगर इस प्लांट में आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देंगे तो प्लांट में बहुत जल्दी रॉटिंग की क्या कहते हैं प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आपको इस प्लांट को बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करना है, बहुत हल्का सा मॉइस्चर मिट्टी में मेंटेन रहे इस चीज़ का ध्यान रखना है। हल्का सा ड्राई हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ओवर वाटरिंग नहीं होने देना है। उसके बाद लाइट के रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूं तो फ्रेंड्स, ठंडक के मौसम में इसको फुल डे सन में रखेंगे तब भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और जहाँ पे मैंने इसको रखा है यहाँ पे मुझे मेरी मतलब शाम की तरफ की जो धूप लगती है 3 से 4 घंटे की, वो इस प्लांट को मिलती है और आप देख सकते हैं कि प्लांट ने कितने अच्छे से ग्रो किया है। जब मैं इस प्लांट को खरीद लाया था तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, छोटे छोटे प्लांट्स में लाया था, तो उस टाइम मैंने शॉर्ट्स बना के शायद वीडियो बना के डाली थी। तो अगर आप उसको ना देखिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि प्लांट ने अब कितनी ग्रोथ कर ली है। तो इसलिए आप इसको फुल डे सन में भी रख सकते हैं और नॉर्मल आपकी जो कि कहते हैं सुबह की धूप या फिर शाम की धूप में भी रख सकते हैं। बट जब गर्मी आएगी फ्रेंड्स, तो गर्मी में हम लोग को उसको गर्मी से बचाना होगा, तो उस टाइम आप इसको फुल सन में नहीं रखेंगे और उस टाइम जैसा जो पूरा प्रोसेस होगा मैं आपको गर्मी आने पर वो अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। तो ये इसकी पानी की, लाइट की और मिट्टी के बारे में हो गया प्रॉपर। और सबसे पहले फर्टिलाइज़र के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैंने इसमें हर महीने या फिर हर 20 दिन पर लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने इसके अंदर डाला है। तो आप भी अगर आप जो भी चाहे ऑर्गेनिक आप यूज़ करते हो चाहे इनऑर्गेनिक यूज़ करते हो वो भी आप भी इसमें क्या कहते हैं 20 से 30 दिन में एक बार डालिए, तो प्लांट में मतलब ये प्लांट बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं मांगता है। अगर आप शुरू में अच्छी मिट्टी बना दीजिए तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ता है। प्रोपेगेशन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स, ये सीड के थ्रू बहुत ईजिली कटिंग के थ्रू बहुत ईजिली ग्रो होता है। और इसके सीड कैसे बनते हैं या कैसे सीड से ग्रो होता है ये मुझे नहीं पता है, और लेकिन मैंने हमेशा क्या कहते हैं कटिंग से ही लगाया है। तो मैं और भी जो कलंचू के प्लांट हैं उनको भी मैंने कटिंग से काफ़ी प्रोपेगेट किया है, तो बहुत ईजिली ये कटिंग के थ्रू अक्टूबर के महीने में हम लोग कटिंग लगा लेते हैं तो बहुत जल्दी ये प्रोपेगेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेरे वो रेड वाले देसी कलंचू हैं। तो बेसिकली ये वाला मेरा ओरिजिनल प्लांट था और फिर जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं ये मैंने कटिंग अपने इस साल लगाई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ये कटिंग वाले प्लांट की ब्लूमिंग हो रही है और ये जो ओरिजिनल वाला था इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये इस प्लांट की सारी केयर थी। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि इसको क्रिसमस ट्री प्लांट भी कहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको बहुत जल्दी से आंसर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।